अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाजिन, आज एक शाही पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जो बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और क्रिस्पी रेसिपी है ये पकौड़े की। रमज़ान मुबारक के दस्तरखान इंशाल्लाह जब लगेगा तो आप पकौड़ों को ज़रूर याद कर दें, मगर ये जो पकौड़े आप एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके जो जितने भी घर में मेम्बर्स हैं खुश हो जाएंगे। तारीफ़ की आपको इंशाल्लाह तारीफ़ें होंगी बहुत सारी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ इसके इंग्रीडियंट्स जो हैं। यहाँ मैंने लिए हरी प्याज भी ली है, और एक प्याज मैंने आम सी ली है, और एक आलू लिया है मैंने, हरा धनिया है, और 3 से 4 दर्द हरी मिर्चें हैं। एक पाव मैंने बंद गोभी ली है, जिसको इस तरह मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने सोडा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लाल कुटी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून है, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून है, और सूखा धनिया जिसको मैंने भून लिया है अभी, ये 1 टीस्पून है। अब मैंने बेसन लिया है जिसको मैंने छान लिया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा धनिया आ गया, उसमें हरी मिर्चें हैं 3-4, और ये हमारे आलू आ गए। और ये आलू को देखें मैंने किस तरह कटिंग की है, आप चाहे तो लंबे भी कटिंग कर सकते हैं। अब जारी हमारी प्याज जा रही है, ये उसके बाद हमारी हरी प्याज जा रही है। ये एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी क्रिस्पी रेसिपी बनेगी ये आज इंशाल्लाह। अब इसके अंदर शामिल करूंगा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, लावर, सोडा, लाल मिर्ची कुटी हुई, सफ़ेद जीरा, और हमारा भुना कुटा हुआ धनिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है इसके अंदर। जी तो देख रहे हैं आप, मैं अभी चम्मच की मदद से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में आज कट लग चुका है, तो इसीलिए हाथों से ज़्यादा अच्छा होता है, आप हाथों से कर सकते हैं इसको। मेरे हाथ में कट लग गया है तो इसलिए मैं चम्मच की मदद से कर रहा हूँ। लच्छेदार पकौड़े हैं ये, बहुत ही अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह, आप जरूर ट्राई कीजिएगा रमजान के बाबरकत महीने के अंदर। नमक भी मैंने इसके अंदर शामिल किया, आप अपने हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। जी तो नाजिन, ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, और ऑयल का आपने खास ख्याल रखना है कि ऑयल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद ही हमने पकौड़े शामिल करने, वरना ठंडे ऑयल में हम पकौड़े शामिल करेंगे तो हमारे पकौड़े जो स्टार्टर में जो ऑयल पी लेते हैं फिर हमारे वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो पीस मैंने जो है चम्मच की मदद से डाले। अब मैं जो अपना प्रोफेशनल मेरा जो तरीका है हाथ से डालने का वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, जी तो नाजिम देखिए हमारा माशाल्लाह पकौड़े देखे, बिल्कुल कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल क्रिस्पी ये अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े बने हैं आज। जी तो नाजिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रायते के साथ, चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप खा सकते हैं इसको, बहुत ही क्रिस्पी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान के बाबरकत महीने अल्हम्दुलिल्लाह आमद है, तो मैंने सोचा कि आपको पकौड़े की एक अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, चटपटी और क्रिस्पी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो नाजी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं दोबारा नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।